सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के इस दूसरे भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के पहले अध्याय में आपने, पहले भाग में आपने उपयोगिता का अर्थ, कुल एवं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, मांग एवं मांग वक्र के विषय में समझा। इस अध्याय में, अध्याय के इस भाग में आप क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, अनधिमान वक्र, सीमांत प्रतिस्थापन दर एवं अनधिमान वक्र की आकृति, एक दिश अधिमान एवं अनधिमान मानचित्र, अनधिमान वक्रों के लक्षण और विशेषताओं के विषय में समझेंगे। पिछली कक्षा में आपने उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के विषय में पढ़ा था। अब इस कक्षा में आप क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के विषय में समझेंगे। प्रोफेसर एलन एम हिक्स के अनुसार वास्तविक जीवन में हम किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को माप नहीं सकते। अधिक से अधिक हम कम या अधिक संतुष्टि के आधार पर वस्तुओं को क्रम दे सकते हैं, अर्थात हम वस्तुओं को क्रम दे सकते हैं। नोट कीजिएगा, जैसे हम ये नहीं बता सकते कि हमें इस वस्तु से 50 के बराबर उपयोगिता मिलती है, बस हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु से, ए वस्तु से हमें ज़्यादा उपयोगिता मिलती है और बी वस्तु से हमें कम उपयोगिता मिल सकती है। इसको हम क्रम दे सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस वस्तु से इतनी इकाई उपयोगिता मिलती है, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यही इन विचारकों का मुख्य केंद्र बिंदु रहा कि चूँकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसलिए हम उसको माप सकते ही नहीं है। इसलिए हम उपयोगिता को केवल क्रम दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ये वस्तु हमारे लिए कम ज़रूरी है, इसलिए हम उस उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम उपयोगिता को क्रम देते हैं तो कई वस्तुओं के बीच में अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्रम दे दिया कि हम इन दो वस्तुओं के संयोग से हमें एक समान संतुष्टि मिलती है, एक इन दो वस्तुओं के उपभोग से हमें एक समान संतुष्टि मिलती है, तो ये जो उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के जो सेट है तो उनके बीच उपभोक्ता अपने आप को तटस्थ बना लेता है। तो ये उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करने वाले बंडलों को, जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है, उनको ही हम जब एक लाइन के रूप में दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनधिमान वक्र। सामान्य जीवन में हम जब वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को क्रम देते हैं और क्रम के हिसाब से हम उनका एक सेट बनाते हैं, उनको ही हम और उनके बीच अपने आप को अनधिमान कर देते हैं। अनधिमान का मतलब होता है कि हमारे लिए ना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना मतलब ये ना ज़्यादा अधिक पसंद है ना ये पसंद, दोनों बराबर के पसंद की चीज़ें हैं। तो उन्हीं इकाइयों के जो सेट्स हैं उनको ही हम अनधिमान तालिका के अंतर्गत दर्शा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संयोग है, उदाहरण दिया गया है कि हमें एक केला मिलता है या 15 आम, हमें 2 केले मिलते हैं या 12 आम, हमें 3 केले मिलते हैं या 10 आम, या हमें 4 केले मिलते हैं या 9 आम। ठीक, हम उन दोनों के बीच में क्या है, तटस्थ। तटस्थ मीन्स हमको उन दोनों से एक समान उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अच्छा, तो ये जो दो वस्तुएं हैं जिनके बीच में हमें एक समान उपयोगिता मिल रही है, उनके बीच में हम लोग क्या हैं, वास्तव में अनधिमान हैं। हम उनके बीच में क्या हैं, अनधिमान। मतलब ना तो हमें ये जितनी समान उपयोगिता दे रहा है उतना ही ये भी सेट उतना ही समान उपयोगिता दे रहा है, उतना ही सी सेट भी हमें उतनी उपयोगिता दे रहा है और डी सेट भी उतनी ही उपयोगिता दे रहा है। तो इन चारों संयोगों के बीच में उपभोक्ता क्या है,
अनधिमान है। क्या है? अनधिमान मतलब तटस्थ है। अब इसको हम एक रेखा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, जब एक केला और 15 आम खा रहा था तो वो ए बिंदु पर था, दो केले और 12 आम पे बी बिंदु पे, तीन केले और 10 आम सी बिंदु, और डी में 4 केले और 9 आम पे डी बिंदु। इन सभी बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो जो हमें ये रेखा प्राप्त हुई वो क्या है? यही क्या है? तटस्थता रेखा भी कहते हैं इसको, या अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र या तटस्थता रेखा। इन सभी बिंदुओं के बीच में व्यक्ति तटस्थ है, अर्थात ए बिंदु जितना उपयोगिता दे रही, बी बिंदु भी उतनी उपयोगिता दे रही, सी बिंदु भी उतनी ही उपयोगिता दे रही, और डी बिंदु भी उतनी ही उपयोगिता दे रही है। इन सभी बिंदुओं के बीच में जो उपभोक्ता है वो तटस्थ है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, जब हम केला एक वस्तु की मात्रा घटाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, या हम ऐसे इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हमको एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी होती है तो वो तभी हो सकती है जब हम दूसरी वस्तु की मात्रा घटाएं। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि तभी हमें समान उपयोगिता मिलेगी। भाई हम समान उपयोगिता, भाई जब हमें ज़्यादा वस्तु हम उपभोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उपयोगिता भी हमें ज़्यादा मिलने लगेगी। तो इसलिए समान तटस्थता वक्र में बने रहने के लिए आवश्यक है कि हम अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएं तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटाएं। तो जो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं और दूसरी वस्तु की मात्रा घटाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की दर। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की दर। अब इस प्रतिस्थापन की जो दर है उसमें उसको वो कैसी होती है? जो MRS सरल रूप में वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करेगा ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि एक स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन करेगा जिससे उसकी उपयोगिता समान रहे। ठीक, अब ये जो प्रतिस्थापन की जो दर है वो कैसी होगी? घटती हुई होगी। कैसी होगी? घटती हुई। घटती हुई क्यों? हम जब डेल्टा एक्स बढ़ाना है तो हम डेल्टा वाई जो उसके स्थान पर उसको घटाएंगे, डेल्टा वाई को घटाएंगे, मान लीजिए, सॉरी, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन। एक चीज़ बता दें, ये डेल्टा का मतलब ये किसका साइन है? ये परिवर्तन का साइन है। ठीक, तो जो ये परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? घटता हुआ होगा, कम होता हुआ होगा। क्यों परिवर्तन कम होता होगा? क्योंकि जब हम आम की मात्रा, देखिए ऐसे मान लीजिए केले की मात्रा बढ़ा रहे हैं और आम की मात्रा घटा रहे हैं, तो जो आम की मात्रा घट रही है तो आप जानते हैं जो वस्तु हमारे पास कम होती जाती है उसकी उसी की उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाती है, और जो वस्तु बढ़ती जाती है उसके लिए उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम पिछली कक्षा में आपने पढ़ा। तो इसलिए जो हम वस्तु बढ़ाते जा रहे हैं और जो वस्तु घटाते जा रहे हैं, तो जो बढ़ाने वाली वस्तु है, जो वस्तु हम बढ़ा रहे हैं उसकी उसकी प्रति इकाई की उपयोगिता कम होती जाती है। तो जो जो प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं, जो प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं वो हमेशा क्या होता है? घटता हुआ होता है। ये देखिए, यहाँ पर 3 आम के बदले में हमें 1 केला मिला, उसके बाद हमने आम की मात्रा और घटा दी, 2 आम के बदले में हमें 1 केला मिला, उसके बाद हमें एक ही आम के बदले में हमने 1 केला लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास आम क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए आम ज़्यादा उपयोगी हो रहे हैं, आम के लिए हमारी उपयोगिता बढ़ती जा रही, और केले अधिक हो रहे हैं इसलिए केले की उपयोगिता प्रति इकाई उपयोगिता घटती जा रही। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम जो भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो प्रतिस्थापन की दर होती है वो क्या होती है? घटती हुई होती है। जो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है वो क्या होती है? घटती हुई होती है, जिसको हमने अभी पीछे चित्र में देखे, इसीलिए सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखें, ये देखें, ये जो है जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती हुई है। देखिए ये 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 इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये देख रहे हैं। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर हमारी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि केले की मात्रा बढ़ रही है और आम की मात्रा कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो वस्तु की मात्रा कम हो रही है उसकी हमारे लिए उपयोगिता अधिक होती है। हम उसके लिए ये क्या, या ये इसको ऐसे कहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम अब केले की अधिक इकाइयों के लिए कम मूल्य दे रहे हैं। वो मूल्य किस रूप में दे रहे हैं? आम के रूप में। आम के रूप में उस वस्तु की कम मात्रा दे रहे हैं, कम मूल्य दे रहे हैं। तो आम का वो जो मूल्य है वो लगातार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। हम आम के रूप में कम मूल्य देना पसंद कर रहे हैं। ठीक,
अब ये तो हो गई बात स्थानापन सॉरी सामान्य वस्तु की। सामान्य वस्तु के संदर्भ में जो अनाधिमान वक्र होता है वो ऐसे होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब जो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है वो क्या होती है, घटती हुई होती है, ठीक, घटती हुई होती है, कम होती हुई होती। पर अनाधिमान वक्र की सामान्य आकृति जो होती है वो क्या होती है, उद्गम के प्रति उत्तल होती है। पर स्थानापन वस्तुओं के में ये क्या होती है, वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होती है। वक्र की जो स्थानापन्न वस्तुएं होंगी, स्थानापन्न मतलब जो एक दूसरे से पूर्ण स्थानापन हो जाए, जैसे एक उदाहरण इसमें दिया है कि 5 रुपये के नोट और 5 रुपये के सिक्के, हमें चाहे 5 रुपये का नोट दे दो चाहे 5 रुपये का सिक्के, हमारे लिए समान ही रूप से उपयोगी है। तो 5 रुपये के नोट और 5 रुपये के सिक्के के बीच में जो जो प्रतिस्थापन की दर होगी वो क्या होगी, वो होगी इकाई के बराबर। इकाई के बराबर क्यों होगी, क्योंकि वो दोनों पूर्ण स्थानापन्न है और हमारे लिए उनकी उपयोगिता घटती हुई नहीं होगी। इसलिए जो जो इसमें जो दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच में जो अनधिमान वक्र बनता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा के रूप में बनता है। और सीधी रेखा में बनने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो इनमें प्रतिस्थापन की दर होती है वो क्या होती है, एक इकाई के बराबर होती है। तो इकाई के बराबर प्रतिस्थापन दर होने की वजह से ही पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की जो रेखा होती है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच की जो अनधिमान रेखा होती है वो एक सीधी रेखा के रूप में होती है। ये तो हो गई बात पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में। बच्चों अब हम देखेंगे अनधिमान मानचित्र। अनधिमान मानचित्र क्या है, अनधिमान मानचित्र से तात्पर्य है अनधिमान वक्रों का एक परिवार। अनधिमान मानचित्र से क्या तात्पर्य है, वक्रों का एक परिवार। एक परिवार, परिवार में जाहिर सी बात है कई सदस्य होते हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा था क्या, अनधिमान वक्र केवल एक अनधिमान वक्र, परिवार कई लोग। तो जब कई अनधिमान वक्र हों तो उनको हम क्या कहते हैं, अनधिमान वक्रों का एक परिवार। अनधिमान वक्रों का एक परिवार जैसे IC1, IC2, IC3, इंडिफरेंस कर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कई अनधिमान वक्रों के जब समूह को एक साथ एक ही चित्र में दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही चित्र में दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनधिमान मानचित्र। ठीक, अब आप अनधिमान मानचित्र में ये देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं अनधिमान मानचित्र में ये चीज़ देख रहे हैं। ये चीज़ देखने का ये जो शो होता है उसका मतलब क्या है कि जो ये अनधिमान वक्र है उससे ये अनधिमान वक्र उच्च स्थिति को प्राप्त है, मतलब उपयोगिता के उच्च स्तर को बता रहा है। ये जो है वो उपयोगिता के उससे भी अधिक उच्च स्तर को बता रहा है। तो अनधिमान जो वक्र होते हैं वो जितनी ज़्यादा ऊपर होंगे, ऊपर वाले जो अनधिमान वक्र हैं वो नीचे वाले अनधिमान वक्रों की तुलना में अधिक उपयोगिता के स्तर को प्रदान करते हैं। इनको जो है इसीलिए इस एरो के द्वारा दिखाया गया है कि उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करते हैं। अब अगली बात आइए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, एक दिष्ट अधिमान। क्या चीज़, एक दिष्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप अगर बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, यदि पहले तो इसका अर्थ देखिए कि इसका क्या कहता है ये, यदि उपभोक्ता किसी दो बंडलों में उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा हो, एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की कम मात्रा ना हो, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे वस्तु की कम मात्रा ना हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक दिष्ट अधिमान। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दो संयोग हैं, ए संयोग और बी संयोग। ठीक, ए संयोग में एक वस्तु की 7 इकाइयां हैं और दूसरे वस्तु की 8 इकाइयां। ठीक, बी संयोग में एक वस्तु की 7 ही इकाइयां हैं पर दूसरे वस्तु की 6 इकाइयां। ठीक,
तो आप किस संयोग को लेना पसंद करोगे? किस संयोग को? जाहिर सी बात है, ए संयोग को। क्यों लेना पसंद करोगे? इसलिए लेना पसंद करोगे क्योंकि इसमें वस्तुएं ज़्यादा हैं। और अर्थशास्त्र का एक नियम होता है कि जो अगर वस्तुएं ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात हमें उपयोगिता भी ज़्यादा मिलेगी। यही बात एक दिष्ट अधिमान कहता है। एक दिष्ट अधिमान का मतलब है कि हम उसको अधिक पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा अधिक वरीयता देते हैं जो हमें ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा उपलब्ध कराती है। जो सेट, जो बंडल हमें वस्तुओं की अधिक मात्रा उपलब्ध कराते हैं, हम उनको ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो ये ए और बी वस्तु है। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे कि आजकल हम लोग दावतों वगैरह में जाते हैं तो मान लीजिए स्नैक्स हमें प्लेट्स में मिलते हैं, है ना, होता है स्नैक्स हमें प्लेट्स में मिलते हैं। तो जैसे कोई बहुत खाने का प्रेमी व्यक्ति है, है ना, या सभी लोग ज़्यादातर, एक मानव स्वभाव होता है, एक प्लेट में मान लीजिए 5 प्रकार के स्नैक्स रखे हैं और दूसरी प्लेट में मान लीजिए 7 प्रकार के स्नैक्स रखे हैं, तो आप किसको वरीयता दोगे? इसको या इसको? जाहिर सी बात है, इसको वरीयता देंगे। ठीक, क्यों वरीयता देंगे? क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं हैं और ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं हमें उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करती हैं। उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करने की वजह से हम उसको अधिक अधिमान देते हैं, अधिक पसंद करते हैं। ठीक, अधिक पसंद करते हैं, इसी को हम एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। अब हम अनधिमान वक्र के लक्षण या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अनधिमान वक्र के लक्षण और विशेषताओं को विशेष रूप से ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एक तरह से पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन है, पूरे चैप्टर को एक प्रकार से आप रिवाइज करते हो। अनधिमान वक्र के लक्षण या विशेषताओं में जो पहला पॉइंट है वो है, अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाले होते हैं। अनधिमान वक्र कैसे होते हैं? देखा, बाएं से दाएं नीचे ढाल वाले होते हैं, है ना। क्यों होते हैं बाएं से दाएं नीचे ढाल वाले? क्योंकि हमने आपको बताया, एक मान लीजिए इधर एक्स वस्तु है और इधर, सॉरी, ये इधर मान लीजिए, इधर ये वाई वस्तु है और इधर ये एक्स वस्तु है। ठीक, हम जब वाई वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, सॉरी, वाई वस्तु की मात्रा जब घटाते हैं और एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, तभी हमें उपयोगिता एक समान प्राप्त हो सकती है। मतलब हम नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हम एक वस्तु की मात्रा, वाई वस्तु की मात्रा घटाया और तो एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाई, तो हम नीचे से, ये ढाल नीचे होने का मतलब यही है कि हम दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ा ही उसी कंडीशन में जा सकते हैं जब हम किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाएं। क्यों घटाते हैं तब बढ़ाते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि हम उपयोगिता को एक समान रखना चाहते हैं, एक ही बिंदु पर स्थिर रखना चाहते हैं, एक समान स्तर पर रखना चाहते हैं। ठीक, और उपयोगिता को एक समान स्तर पर रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम जो है एक वस्तु की अगर मात्रा को बढ़ाएं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाएं। तो इसलिए जो तटस्थता वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाले होते। एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरा है कि जो तटस्थता वक्र होते हैं वो मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं? उन्नतोदर होते हैं। वो क्या होते हैं? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। देखो, दो तीन तरीके की आकृतियाँ होती हैं। एक तो होती है, ये है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ये है मूल बिंदु की ओर नतोदर। दोनों चीज़ें समझ लीजिए तब आपको उन्नतोदर समझ में आएगा। देखो, उन्नतोदर होने का मतलब होता है कि जब हम एक, जाहिर सी बात है, जब बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहे हैं तो एक की मात्रा बढ़ रही है और दूसरी की मात्रा कम हो रही है। तो उन्नतोदर होने का मतलब होता है कि जब हम किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं और दूसरे वस्तु की मात्रा घटा रहे हैं, तो जिस वस्तु की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं और जिस वस्तु की मात्रा घटा रहे हैं, तो आपस में वो एक दूसरे प्रतिस्थापित हो रही है ना। तो जो ये प्रतिस्थापित हो रही है वस्तु, एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को लगा रहे हैं,
तो जो ये दर है, प्रतिस्थापन वाली जो दर है, वो क्या होगी? वो घटती हुई होगी, जो पीछे हमने आपको समझाया है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? घटती हुई होती है, है ना? सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होने की वजह से जो उपयोगिता है, जो सॉरी ये अरल्दीवान वक्र का जो ढाल है, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ढाल ज़्यादातर सभी वस्तुओं का होता है, और केवल हमने आपको एक पीछे एक उदाहरण दिया था, केवल स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में ऐसा होता है कि वो सीधी रेखा होता है। बाकी सामान्य वस्तुओं के संबंध में जो ये अनधिमान वक्र का जो ढाल होता है, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। ठीक, स्पष्ट हो गया। फिर उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। हम अनधिमान वक्र में जैसे जैसे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर का मतलब ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि अनधिमान वक्र के एक अनधिमान वक्र के ऊपर अगर हम कोई अनधिमान वक्र बनाएंगे, और उस अनधिमान वक्र के ऊपर जो हम बनाएंगे वो उससे अधिक उपयोगिता देता है। क्यों अधिक उपयोगिता देता है? कि जब हम अनधिमान वक्र, जैसे मान लीजिए कई अनधिमान वक्र बनाए, ठीक। अब इस अनधिमान वक्र में देखिए, मान लीजिए हम ये आम की मात्रा तीनों अनधिमान वक्र में हम समान रख रहे हैं, ठीक, पर जो केले की मात्रा है वो इसमें इससे इससे बढ़ती जा रही है। इस ए में जो केला है, एक में जो केले की मात्रा है, वो बी में उससे ज़्यादा है, सी में उससे ज़्यादा है ना? तो जब ज़्यादा है तो क्या होगा? जब आपको कोई वस्तु ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने को मिलेगी तो आप क्या करोगे, क्या होगा उससे? आपको उपयोगिता अधिक मिलेगी, है ना? तो जब आपको उपयोगिता अधिक मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि आप उपयोगिता के उच्च स्तर पर हो जाओगे, और अनधिमान वक्र, एक अनधिमान वक्र जो है वो उपयोगिता के एक ही स्तर को व्यक्त करता है। तो अनधिमान वक्र जब उपयोगिता के एक ही स्तर को व्यक्त करता है, तो हम उच्च स्तर को व्यक्त करने के लिए दूसरे अनधिमान वक्र पर, फिर तीसरे अनधिमान वक्र पर जाते हैं। तीसरी विशेषता है, दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई? इसलिए नहीं काटते, अगर दो अनधिमान वक्र हैं वो एक दूसरे को काटेंगे तो वो किसी कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो दोनों अनधिमान वक्रों में समान होगा। मतलब दोनों अनधिमान वक्रों पर, दो अनधिमान वक्रों पर एक ही बिंदु दो अनधिमान वक्रों पर होगा, और एक अनधिमान वक्र उपयोगिता के एक स्तर को बताता है। तो जब एक दो अनधिमान वक्रों में पहुंच जाएगा तो ये अनधिमान वक्रों की मूल सिद्धांत के विरुद्ध बात होगी, और अनधिमान एक अनधिमान वक्र उपयोगिता के केवल एक स्तर को बताता है। और इसके अलावा अनधिमान वक्र अगर जैसे जैसे मान लीजिए इसमें है ए बिंदु, इसमें भी है IC1 पर भी और IC2 पर भी, है ना? तो IC1 उपयोगिता के एक स्तर को बता रहा है, IC2 दूसरे स्तर को बता रहा है। तो ए तो ये कह रहा है ना कि ये इस एक तरह से IC1 उपयोगिता के उच्च स्तर को बता रहा है, तो इसलिए ये एक तर्कसंगत बात नहीं है, एक असंगत बात है कि एक अनधिमान वक्र, एक बिंदु दो अनधिमान वक्रों पे चला जाए और वो उपयोगिता के दो अलग अलग स्तरों को बताए, जो अनधिमान के सिद्धांत के खिलाफ है। अनधिमान वक्र कभी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। जो अनधिमान वक्र है वो कभी अक्ष को स्पर्श नहीं करते, ना ओ वाई अक्ष को ना एक्स अक्ष को। क्यों नहीं अक्ष को स्पर्श करते? क्योंकि अनधिमान दो संयोगों को बताता है। क्या बताता है? संयोगों को, और संयोग के लिए दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है, एक वस्तु की आवश्यकता नहीं है दोनों। तो अब इसका मतलब है कि इससे हम वाई की शून्य, एक्स की शून्य मात्रा प्रयोग करें, इसका मतलब है कि हम एक्स की शून्य मात्रा, इसका मतलब है वाई की शून्य मात्रा, और हम संयोग का मतलब होता है दो वस्तुओं की मात्रा। तो इस तरह से आज आपने पढ़ा अनधिमान वक्र, क्रमवाचक उपयोगिता किसे कहते हैं, अनधिमान वक्र क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, एक विष्ट अधिमान क्या है, और अनधिमान वक्रों की विशेषताओं को आपने विस्तार से समझा। गृह कार्य है, अनधिमान वक्र से क्या तात्पर्य है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, अनधिमान मानचित्र से आप क्या समझते हैं, एक विष्ट अधिमान क्या है, अनधिमान वक्र की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य है उसको आप घर में करिएगा, और यदि पाठ से संबंधित कोई पाठ्य सामग्री या कोई अभ्यास कार्य चाहिए तो आप दीक्षा एप्लीकेशन पर अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, और प्ले स्टोर पर जाके आसानी से दीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, उसको आप डाउनलोड करिए और
इसका ऑनलाइन आप अभ्यास कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर आप अपने पूछ भी सकते हैं, उसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये उपलब्ध है। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।